गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अलावा अपने यही टॉपिक एमएससी प्रीवियस के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल दे रखी है, उसके अंदर भी है। अब तक हमने जो स्टडी की थी नर्वस सिस्टम के बारे में, वो हमने स्टडी की है कि किस प्रकार से कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स यानी तंत्रिका आवेग का किस प्रकार से प्रेक्षण होता है, किस प्रकार से उसमें आवेग संचरण होता है, उसका हमने तीन स्टेप में उसको पूरा किया था। फर्स्ट स्टेप थे अपने पास में, वो थी एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जस्ट जो पहले स्टेप होती है जब किसी भी तंत्रिका को, जैसे ये तंत्रिका है, जब इस तंत्रिका को किसी भी प्रकार का उद्दीपन नहीं मिलता है, उस कंडीशन में बाहर की तरफ पॉजिटिविटी पाई जाती है और अंदर की तरफ इस एक्जोलेमा के बाहर की तरफ अंतरालीय द्रव्य के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, इसे बोलते हैं ईसीएफ। इसके अंदर इस साइड में मेम्ब्रेन की इस तरफ जो होता है वो पॉजिटिविटी होती है सोडियम पोटेशियम पंप के कारण, और अंदर नेगेटिविटी होती है जिसका नेट यानी विभवांतर जो होता है, विभव में जो अंतर होता है, नेट दोनों के चार्ज में जो अंतर होता है वो -75 mV होता है, जिस अवस्था को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइज्ड अवस्था। और इस समय जो विभव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सॉरी, एक्शन पोटेंशियल नहीं कहते इसको, सॉरी, इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विश्राम कला विभव, विश्राम स्थिति में जब इसको किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इसको कोई भी भौतिक रासायनिक, ठीक है, कोई सा भी उद्दीपन इसको मिलता है तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है। जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, वो बंद हो जाता है और ये पहले जीरो होता है, जीरो के बाद में +35 mV तक चलता है, जिसके कारण बाहर की तरफ नेगेटिविटी आ जाती है और अंदर की तरफ पॉजिटिविटी आ जाती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय कला विभव। और जैसे ही +35 आता है तुरंत सोडियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है और वापस रीपोलराइजेशन की स्थिति आती है, रीपोलराइजेशन यानी प्रथम अवस्था वापस आ जाती है, उस स्थिति में वापस बाहर की तरफ पॉजिटिविटी और अंदर की तरफ नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, पुनः ध्रुवण। ये ध्रुवण है, ये विध्रुवण है और ये पुनः ध्रुवण। वापस कितना हो जाता है? -75 mV के लगभग विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये तो थी हमने एक नॉर्मल, देखो ये घटनाक्रम इसी स्थान पे हो रहा है, इतने तेपे, उसके बाद में आगे होगा, उसके बाद में आगे होगा। अब हम जिन न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन में माइलिन सीट पाई जाती है, माइलिन सीट एक लिपोप्रोटीन की बनी हुई परत होती है जो एक्सोलेमा के ऊपर एक इंसुलेटेड आवरण का फॉर्मेशन करती है, जिसमें से कोई भी आयन ना तो आ सकते और ना बाहर जा सकते। इंसुलेटेड आवरण होता है, यानी देखिए ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का ये सोमा पार्ट है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है। इस एक्सॉन के ऊपर
ये एक्सोलेमा है, ये कोशिका द्रव्य, ये क्या है, एक्सोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, अब देखिए ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर एक्सोन पार्ट पर, यानी इस यहां पर एक लिपोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसमें स्वान कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, उन न्यूरॉन को माइलिन आच्छद युक्त न्यूरॉन कहा जाता है। जैसे ये ऐसे, इनके बीच में गैप है, ऐसे आवरण है। किसका आवरण है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ इंसुलेटेड आवरण। इंसुलेटेड का मतलब क्या है, जैसे अपने डोरी आती है, अपनी क्या आती है, डोरी आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर की तरफ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो तार होते हैं, और इस तार के ऊपर प्लास्टिक का खोल चढ़ा हुआ है। इंसुलेटेड का मतलब क्या है वो समझिए पहले। अब इसको विद्युत धारा में लगाने के बाद में मैं अगर इसको बाहर से पकड़ता हूं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो आवरण है वो इंसुलेटेड है, वो ना तो आयनों को बाहर आने दे रहा, ना तो करंट को बाहर आने दे रहा और ना बाहर से अंदर जाने दे रहा। अतः मेरे को किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत से संबंधित क्रिया मुझे महसूस नहीं होगी। और जिसमें इस वायर में जहां पर कट लगा हुआ का होगा वहां पर विद्युत का संचरण होगा। वहां पर क्या होगा, विद्युत का संचरण, यानी वहां से आयन अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। अतः यहां से ना तो कोई अंदर जा सकता और ना कोई बाहर जा सकता। ये एक इंसुलेटेड आवरण होता है। अतः आयनों का आदान प्रदान कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे, इतनी सी जगह पे, जिसे हमने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन बताया था तब इस जगह को मैंने एक नाम दिया था, उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं उसको, नोड ऑफ रेनवियर। यहीं से सिर्फ कोई भी आयन अंदर जा सकते हैं और कोई भी आयन बाहर जा सकता है। अतः जो मैंने आपको तीन घटनाक्रम बताए थे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, यानी विश्राम कला विभव, सक्रिय कला विभव और पुनः विश्राम कला विभव का उत्पन्न होना, तीन घटनाक्रम बताए थे। जो वो सिर्फ कहां पर होंगी, सिर्फ इन्हीं स्थानों पर होंगे। इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश, यानी आवेग का संचरण नहीं होगा और ना ही कोई आवेग उत्पन्न होगा। तो देखिए जब तक इसको टच नहीं करते हैं, जब तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उद्दीपन नहीं मिलता है, तब तक इसमें बाहर की तरफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, और अंदर की तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। देखो सिर्फ यहां पे हो रहा है अभी, इसके सिद्ध में, इसके डायरेक्शन में ही यह है बाहर की तरफ नीचे वाली,
बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसमें भी बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, सिर्फ मैं इस स्थान की बता रहा हूं पहले, क्योंकि पहले इसको टच करते ही सोडियम पोटेशियम पंप सभी जगह चालू रहता है, वैसे तो सभी जगह पॉजिटिव बाहर और अंदर नेगेटिव होता है नॉर्मल अवस्था में। तो जब तक इसको किसी भी प्रकार का कोई भी उद्दीपन नहीं मिलता है तब तक बाहर पॉजिटिव, सिर्फ कहां पे नोड ऑफ रेनवियर पे, सिर्फ कहां पे नोड ऑफ रेनवियर के जगह पे, क्योंकि इसमें एक्जोलेमा डायरेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के और एक्जोप्लाज्म के संपर्क में है, अतः आयनों का आदान प्रदान सिर्फ उसी जगह पर होता है जहां पर माइलिन आच्छद नहीं पाया जाता। जहां पर माइलिन सीट पाई जाती है वहां पर किसी भी प्रकार के आयनों का आदान प्रदान नहीं होगा, ना तो सोडियम अंदर जा सकता ना बाहर जा सकता, ना पोटेशियम अंदर जा सकता ना पोटेशियम बाहर जा सकता, क्योंकि ये एक इंसुलेटेड आवरण होता है। क्या होता है? इंसुलेटेड आवरण होता है, अवरोधक आवरण है, अतः ये किसी भी आयन को ना तो अंदर जाने देगा और ना बाहर जाने देगा। इतना का क्षेत्र ठीक है। अब जैसे ही इसको उद्दीपन मिलता है, थ्रेशहोल्ड उद्दीपन, दहली उद्दीपन मिलता है, जैसे इसमें उद्दीपन स्टार्ट हो जाता है तो सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा। प्रथम स्थिति ये, इस स्थिति में क्या था, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, उस स्थिति को हमने क्या कहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मान कितना था, -75 mV। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्राम कला विभव, ठीक है। इसको ध्रुवण अवस्था भी कहते हैं, कौन सी अवस्था बोलते हैं, ध्रुवण अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेज। जब सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहता है तब, अब जैसे ही इसको उद्दीपन मिलता है ये सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है, इसी जगह पे, प्रथम जगह पे, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप बंद होगा तो तुरंत यहां पर कौन सा क्या हो जाएंगे, सोडियम के गेट खुल जाएंगे, और सोडियम जब अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, बाहर नेगेटिव बच जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर दूसरी स्थिति क्या होगी, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, ये मैंने बता दी, इसे बोलते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसे बोलते हैं सक्रिय कला विभव, जिसका मान कितना होता है, +35 mV। पहले -75 से जीरो जाता है और जीरो से प्लस में जाता जाता है, और इस अवस्था को बोलते हैं डी पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डी पोलराइजेशन, वी ध्रुवण, कहां पर हो रहा है, सिर्फ इसी जगह पे हो रहा, आगे नहीं पहुंचा भी, ठीक है। अब जैसे ही +35 mV पहुंचता है तुरंत रीपोलराइजेशन की घटना घटित होगी, यानी पोटेशियम बाहर जाना, पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम जो है K+, वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी जगह पर बाहर क्या हो जाएगा, वापस पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, इसे बोलते हैं री पोलराइजेशन।
विभव कितना होगा? माइनस 70 टू माइनस 75 एमवी। पहले वाली स्थिति वापस आ गई। सिर्फ कहां पर हो रहा है? यहां पे, और यहां मैंने नीचे नहीं बनाया, इसको बना देता हूं मैं। देखो यहां पर हो रहा है सिर्फ इस जगह पे, अभी आगे नहीं पहुंचे। अब इसके आगे ये क्षेत्र इंसुलेटेड है। क्या है? इंसुलेटेड। इधर से ना तो कोई आयन अंदर जा सकते हैं, ना कोई आयन बाहर जा सकते। ये घटनाक्रम, ये तीनों के तीनों, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये घटनाक्रम इस जगह पे होने के बाद में यहां पर ये उछल कर जाता है, क्योंकि यहां पर तो किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा। अब जो ये था एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये कहां पर जाएगा? यहां पे डायरेक्ट। फिर यहां पर वही घटनाक्रम चलेगा, बाहर नेगेटिव होगा, अंदर पॉजिटिव होगा, फिर बाहर नेगेटिव पॉजिटिव होगा और अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो जंप मार रहा है पोटेंशियल, विभव क्या हो रहा है? जंप मार रहा है, यहां से ये उड़कर गया है। फिर कहां पर होगा? यहां से यहां पे, यहां से यहां पे आता है, यहां से यहां पर जाता है। तो मेंढक की तरह ये जंप मार मार के आगे की तरफ जाता है, जिसे हम बोलते हैं वल्की चैनल। क्या बोलते हैं? वल्की चैनल, साल्टेटरी मूवमेंट। इस प्रकार के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? साल्टेटरी मूवमेंट, वल्गी चलन। क्या बोलते हैं इसको? वल्गी चलन। ये किन न्यूरॉन पर पाया जाता है? जिनके ऊपर माइलिन सीट पाई जाती है। जिनके ऊपर माइलिन सीट नहीं पाई जाती, उनके अंदर कंटिन्यूअस यानी लगातार ही विभव उत्पन्न होता है, सक्रिय कला विभव उत्पन्न होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जंप करने की क्रिया विधि नहीं पाई जाती। जंप उन्हीं में होता है, नोड ऑफ रेनवियर वाली जगह पर ही आयनों का आदान प्रदान होता है। अतः यहां से यहां पर एक्शन पोटेंशियल जंप मारकर ही जाता है, अतः इसे हम वल्गी चैनल कहते हैं। ये फास्ट कंडक्शन है, यहां से यहां पर पहुंच रहा है, बहुत फास्ट गति से पहुंचता है। अतः जिन न्यूरॉन के अंदर माइलिन सीट पाई जाती है, उनके अंदर आवेग का संचरण बहुत फास्ट गति से होता है। क्योंकि एक तो हम पैदल चलें, यानी बिल्कुल कंटिन्यूस वे से चलें, और एक हम जंप लगाकर हम दौड़ते हैं। तो जंप लगाकर हम दौड़ते हैं तो उसमें हम तेज गति हमारी होती है, लेकिन अगर नॉर्मल गति से हम वैसे दौड़ रहे हैं, जंप नहीं लगा रहे हैं, तो हमारी जो दूरी होगी वो लॉन्ग टाइम लगेगा उसको दूर पूरा करने में। अतः इस प्रकार के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? वल्गी चैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वल्गी चैनल, साल्टेटरी मूवमेंट। ठीक है ना? सिर्फ ये कहां पर आदान प्रदान होता है? ये तीनों घटनाक्रम कहां पर होंगे? जहां पर माइलिन सीट नहीं पाई जाती, और जहां पर माइलिन सीट नहीं पाई जाती उस स्थान को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं उसको? नोड ऑफ रेनवियर। और जहां पर माइलिन सीट पाई जाती है, दो नोड ऑफ रेनवियर के बीच में जो जगह होती है उसे बोलते हैं इंटर नोड। इसको क्या बोलते हैं? ये इतनी इतनी जगह होती है, इसे क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ये सिर्फ घटनाक्रम कहां पर होता है? नोड ऑफ रेनवियर। ये इतनी इतनी जगह क्या है? नोड ऑफ रेनवियर। ये इतनी इतनी जगह नोड ऑफ रेनवियर है। अतः ये तीनों के तीनों घटनाक्रम, ये प्रथम घटनाक्रम सभी जगह रहता है ऑलरेडी विश्राम स्थिति के अंदर, लेकिन द्वितीय घटनाक्रम और तृतीय घटनाक्रम जो है, यानी सेकंड और थर्ड इवेंट जो है, वो क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पे होंगे। अतः जिनके अंदर माइलिन सीट पाई जाती है, उनके अंदर यानी नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन होता है, प्रेक्ष यानी आदि की तरफ गमन होता है बहुत
फास्ट गति से होता है, जिनके अंदर माइलिन सीट नहीं पाई जाती उनकी तुलना में माइलिन सीट वाले में यानी आवेग का संचरण बहुत फास्ट गति से होता है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम सिनेप्स। सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच की जगह होती है, दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स का मैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको मैं देता हूं कि सिनेप्स क्या होते हैं। जैसे एक न्यूरॉन ये है, देखो आवेग का संचरण हमेशा इस तरफ होता है, एक्सोनिक फ्लो होता है हमेशा, एक्सोन से आगे की तरफ फ्लो होता है। इसका अंतिम भाग मान लीजिए ये है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, उसका अंतिम भाग यानी स्टार्टिंग का पार्ट ये है। फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन, प्रथम न्यूरॉन के अंतिम, इसके और इसके प्रथम, इसके अंतिम और इसके प्रथम के बीच में ये जो जगह होती है, जो संबंध होता है, उसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। और इसमें ये जो खांच होती है उसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक खांच। और इसमें ये जो एरिया है इसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व और इसे बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। और इसमें ये मेम्ब्रेन जो होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहां से आवेग का संचरण, बीच में गैप है, खांच है, तो यहां से इसमें संचरण किस प्रकार से होता है उसकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं कि सिनेप्स कितने प्रकार का होता है, प्लस यहां से यहां पर सिनेप्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। बस यही अपने लेसन में बाकी बचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि सिनेप्स कितने प्रकार, ये कनेक्शन कितने प्रकार का होता है, जैसे एक्जो डेंड्रिटिक, एक्जो एक्जोनिक, ये पार्ट तो एक्जोन होगा ही होगा। अब ये पार्ट डेंड्राइट्स है, एक्जोन है, ये सोमा पार्ट है, इसके आधार पर कई प्रकार के सिनेप्स होते हैं जिनकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जय हिंद।